जीते बहुत जी दीना नाथा भाई गे सखी जे बोला तेन सोरो जा देवा सुठम सखी बचना राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है छठ पूजा का दूसरा दिन, यानी कि खरना। छठी मैया आप सभी को ऐसे ही खुशियां आपके सभी के जीवन में लाती रहे। आप सभी को छठ पूजा का दूसरे दिन के बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी सुबह हो गया और हम लोग लग गए हैं अपने काम में, क्योंकि खरना है, घर में बहुत सारे काम हैं। और बेबू जो है, सुबह उठते बेबू को कहा, पता है कि बहुत सारे काम होते हैं, उसको तो घूमना है किसी तरह। तो बेबू जा रही है पार्क घूमने के लिए, थोड़ी देर के बाद मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही है। तो साथ में पिताजी लेके जा रहे हैं और छोटी भी जा रही है। तो गाइज ब्लॉग में बने रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगा। हमारी जो मतलब खरना में क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी भी चीज़ें देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग स्किप करके देख रहे हैं, प्लीज़ पहले देखते थे स्किप करके, अभी स्किप करके मत देखिए, अभी आपको बहुत मज़ा आएगा। सुबह सुबह पार्क जा रहे हैं, पापा लेके जा रहे हैं और मुझे और बेबू को छोड़ के आ जाएंगे ना बेबू। आओ बेबू आओ, स्ट्रॉन्ग गर्ल। चलो आ जाओ, वाओ वेरी नाइस बेबू। हाँ करो, छोड़ो छोड़ो। आ जाओ बेबी, आराम से करो थोड़ा सा। बेबू आओ, ये क्या है बेबू? ये ये आपको पसंद है? हाँ। कौन कौन सा पसंद है? मुझे का हर चीज पसंद है। तो ये लेकर जाओगी लखनऊ? हाँ, मुझे तमकीरा अच्छी लगती है। फिर से उसको हक करो, हमारा घर पूरा तमकीरा का होता फिर हम अमीर बन जाते। हम तो अभी भी अमीर है ना बेबू। थोड़े नहीं, बहुत अमीर है। देखो नानी के पास ऐसा वाला बर्तन है, शाइनिंग वाला है ना। और ये है शाइनिंग इट मनी। काश हम अमीर होते। गाइस, तो बेबू को ऐसे ही खेलना पसंद है, इसी तरह का गेम इसको पसंद आता है। और यहाँ पे फुल इंटरटेनमेंट होता है बेबू का। और पिताजी देखो परेशान है। बावला कहाँ से आ गया जी? भूत है, भूत है, ऊपर वाले फ्लोर पे भूत है। आप सोचिए कि ये बेबू है, बेबू नहीं है, ये भूत है, बड़ी वाली भूत है। बस ऊपर वाले फ्लोर पे नहाया। पैसा लड़का है जानते पापा, आप इसको बोल के गए नहाने के लिए और तब से इसके साथ ही खेलने में लगा हुआ। एक इंसान को नहीं छोड़ते, सब
सबसे प्यार करवाएगी, है ना बेबू? दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है कि मम्मी जो काम कर रहे हैं उसमें दीदी भी है साथ में, है ना, है ना दीदी? देखो मम्मी को बर्तन का इतना शौक है, और पीतल के बर्तन का तो अलग ही, ऊपर से इनकी एक छोटी सी नाती नाई है, उसको लगता है अमीर लोगों के पास ये बर्तन होता है, और जब से ये बर्तन देखिए तब से बोल रही है मैं तो अमीर हूँ, शाइनी शाइनी बर्तन है मेरे पास, इतना खूबसूरत है ये ग्लास, कितना खूबसूरत है भाई साहब। मम्मी वापस से धो दीजिएगा, मम्मी यहाँ मनिया कर दीजिएगा। यहाँ पे एक प्लेट भी है, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये तो मम्मी के मायके से आया है। लोटा भी आपके मायके से आया है माँ? लोटा भी नहीं खरीदे। अच्छा लोटा खरीदी है, पर मम्मी के मायके में ये लोटा बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा। और क्या आया है मम्मी आपके मायके से? ये है मम्मी के मायके से, और बहुत सारा बर्तन है। मम्मी के शादी के टाइम से हमारे साथ है, तब से ये पड़ा हुआ था, पर मम्मी ने छठ स्टार्ट किया तो सब यूज में आ गया, और मम्मी का शौक भी पूरा हो गया पीतल के बर्तन को रखने का। हेयर बार बार काटते हैं ना सलून में, आप क्यों काटोगी? बट ये तो सलून ही है। ये सलून नहीं है, ये तो घर है, ये तो छत है। ये छत है और सलून भी है। नहीं ये सलून नहीं है, ये छत है। सुनो आप मुझे डिस्टर्ब कर रही है, आप इधर बैठो, मैं तब तक से अपना ये बियर्ड बना लेता हूँ, ठीक है? ठीक है। आप इधर बैठो। मामा मैं इसे आपके पास स्लीप पे खड़ी लेती हूँ, कल आपको जरूरत होगा तब ना मैं आप मुझे बुलाना, ठीक है? ठीक। गाइज तो अभी हम छत पे बैठे हुए हैं, मम्मी कपड़े फोल्ड करी में, और मम्मी अभी यहाँ पे हैं, क्योंकि ये जो हमने बर्तन धुला ना, बर्तन है यहाँ पे, लकड़ी है, गोईठा है, सब रखा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे बर्ड आए हुए हैं, आप देखो दिख रहे हैं, बहुत सारा है, मतलब ये सामने वाला भी पेड़ पे है, उधर भी है, हर जगह है। तो ये आकर के यहाँ पे गंदगी ना फैला, इसलिए हम लोग अभी बैठे हुए हैं, क्योंकि प्रसाद जो है वो बनेगा 2 बजे से प्रसाद बनना शुरू हो जाएगा। तो तब तक सब कुछ धुल धाल करके हम लोग रेडी हैं, बस नहाना है प्रसाद बनाने के लिए। तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि जो टाइम होगा उसके लिए हम नहाने के लिए जाएंगे। टाइम होने के बाद तो कोई यहाँ पे आके बैठेगा तो हम लोग जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं ना, इधर से उधर, उधर से उधर जा रहा है, तो इसके लिए तो हम लोगों ने ये भी लगा दिया है कि दो चीज़ से बच रहा है, धूप भी ना लग रहा है, और कोई पोटी वोटी कर रहा है तो आ भी नहीं रहा है नीचे। गाइस तो आज से शुरू होता है मम्मी का निर्जला उपवास, जो 3 दिन तक चलेगा। निर्जला उपवास के साथ जब मम्मी लकड़ी से आग जलाकर चूल्हे पर गुड़ वाली खीर बनाएंगी, और फिर शाम को केले के पात पर भोग लगाएंगी, और पूजा संपन्न होने के बाद आशीर्वाद लेने के लिए आवाज़ लगाएंगी, सच पूछो तो छठी मैया हमारे यहाँ खरना का प्रसाद ग्रहण करने आएंगी। गाइस तो बेबू रेडी हो गए, बेबू दिखाओ कैसे रेडी हुई हो, गाइस को दिखाओ, ये आपके गाइस है ना। क्या खाया अभी आपने? ये पुदीना खा रही है यहाँ पे, देखो ये कितनी प्यारी लग रही है, दिखाओ तो बेबू। अब गाइस मैं इससे गलती भी नहीं हूँ, दिखाओ मैं कैसे नहीं गलती हूँ। देखिए
मुझको एक दिन मेरे दादा खाए थे ये ली। ये नहा धो के नाक पे से सिंदूर करके बैठ गई है मम्मी का हेल्प करने। एक्टिंग करती हो? नहीं नहीं, चूल्हे में तो जाता ही है लकड़ी जलने के लिए, एक्टिंग थोड़ी ना करेगी ये। ठीक है, गाइस तो इस वक्त हम प्रसाद बनाने में लगे हुए हैं, एकदम शुद्ध होकर नहा धोकर, और हमने अभी तक तो कुछ खाया नहीं है। मम्मी का तो निर्जला उपवास है, और साथ ही जो हेल्प करते हैं प्रसाद बनाने में उनको भी कुछ भी नहीं खाना होता है। यहाँ पे प्रसाद बन रहा है, मम्मी बना रही हैं रोटी वाला प्रसाद, और खीर वहाँ पे रसिया और खीर बन के रेडी है। और क्या बनेगा मम्मी? पिट्ठा और अच्छा राम जी के नैया मैया कृष्ण के भैया गे मैया रे नंदन भैया मैया पार उतारत गे मैया रे नंदन भैया मैया गला जी दीना नाथ गारी गैया का प्रकुटवाला गला जी दीना नाथ कारी गैया का गैया के गोरा जी दीना नाथ रत का उपास सूरज देवा भोरे गलिया बहार भोरे गलिया भोरे गलिया आई ता सूरज देव बीचे ले बिल माय बीचे ले वो बिल मांग मांगवीरत बागी नूरत मन माँ के आस पूरत मन माँ के रतु का उपासल शादिता देवा भोरे गलिया बोहार भोरे गलिया की जे बोला तीन सूरज देव सुनो सखी बचना माँ सुनो साई बचना माँ छठी रे मारतिया के उठैथिन हमारे बार के उठैथिन हमारे बार। गाइस तो ये बन रहा है पिट्ठा, अभी प्रसाद में जो चीज़ें बनना था वो बन गया, अब ये लास्ट प्रसाद है जो अभी बनेगा। आटे को चार दिया गया है गर्म पानी से, उसके बाद गूथा गया है, और अब इसमें पानी में डालेंगे, उबल जाएगा तो ये भी तैयार हो जाएगा।
गाइस तो प्रसाद बनकर रेडी हो गया है, अब सूर्यास्त होने ही वाला है। अब जो है पूजा भी होगा भगवान जी का, जिसके लिए मम्मी को पहले तैयार होना है और मुझे भी थोड़ा कुछ खाना है क्योंकि मैं सुबह से भूखी हूँ मम्मी के साथ। मम्मी जैसे फास्ट रखी है मैंने भी रखा था ताकि प्रसाद बनाए। प्रसाद बनाने के लिए भूखे रहना है, कुछ भी खाना नहीं होता, तो मैं तब से भूखी हूँ। अभी जब प्रसाद बन गया है तब मैं कुछ खाऊंगी क्योंकि प्रसाद खाने से पहले कुछ खाना होता है और फिर खाने के बाद फिर चेंज करूँगी क्योंकि ये कपड़ा फिर जूठा हो जाएगा, फिर चेंज करते हैं। उसके बाद फिर आकर के भगवान जी की जब पूजा होगी तो उनका पूजा होने के बाद प्रसाद खाएंगे। तो ब्लॉग में बने रहिए। ये अभी खरना का तैयारी हो रहा है और प्रसाद तो बन ही चुका है, पर इसके बाद का ब्लॉग में नहीं दिखा सकते, उसके बाद आपको प्रसाद ही दिखाएंगे सीधा। गाइस तो अभी मम्मी खरना कर रही है उस वाले रूम में, ये दरवाजा बंद कर दिया गया है ताकि खरना के टाइम पे कुछ भी मतलब कोई डिस्टर्ब ना करे। क्या मांगी? मांगना है बेटा, मांगी क्या? नानी को प्रणाम करो। गाइस तो मम्मी ने आखिर आवाज लगा दिया है हम लोग को प्रसाद ग्रहण करने के लिए। सबसे पहले हमें भगवान जी को प्रणाम करना है, फिर मम्मी को प्रणाम करके थोड़ा सा टीका लगवा करके प्रसाद ग्रहण करना है। प्रसाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, हम सब ने खाया, बहुत मज़ा आया प्रसाद खाकर। सब कुछ वही है, अन्न वही है, पानी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन जो प्रसाद का जो अलग जो है ना वो कभी नहीं आने वाला है। अलग भाई वाला है। गाइस तो खरना का प्रसाद खा लिया हमने और उसके बाद हम नीचे आए हैं, थोड़े बहुत जो पटाखे रखे थे दिवाली के वो सब लेकर के, ताकि यहाँ पे हम भाई बहन थोड़ा बहुत एंजॉय कर सके।
पिट जाओगी तू। इसको यहाँ पे रखते हैं, इसमें आग लगा दो बस। लो हट जा दीदी, हट जा ना ऊपर। टाका उसे छोड़े का कोई नियम है? छोड़िया भाग रहे ऊपर ही, खतरनाक फूटेगा ऊपर, बहुत खतरनाक फूटेगा। भाग रहे, भाग भाग भागो भागो। बाप रे, वो अंदर घुस गया था। भागो भागो, बंद हो गया। भागो 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 गाइस। तो यहाँ पे चल रहा है अब फोटो शूट, क्योंकि पूजा का प्रसाद वगैरह हमने खा लिया है, तो हमारे पास अभी टाइम है, थोड़ा टाइम है, एक दो घंटा। उसके बाद हमें थोड़ा कल की भी तैयारी करनी है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत फोटो वोटो क्लिक करा रहे हैं। और गाइस प्रसाद देने के लिए जा रहे हैं दीदी के साथ। और दीदी अभी माँ, मेरी मम्मी छठ करके पुण्य प्रताप ले रही हैं, और ये दोनों माँ बेटी पैर दबा के पुण्य प्रताप खुद को देने के चक्कर में यहाँ मम्मी के आसपास घूम रही है। बेटू नानी को प्रणाम, प्यार कर दो ढेर सारा। ऐसे कौन पैर दबाता है, थोड़ा अच्छे दम लगा के दबाओ। और चलो भाई के लेके आई है, पैर दबा रही है। पर साल थोड़ा इसका प्यार कम ना जाए फिर। बेबू तुम्हारे लिए प्यार हमेशा ही इतना रहेगा, लाडली हो तुम। गाइस तो खरना हो गया है और सारे लोगों ने प्रसाद भी खा लिया, जो भी प्रसाद खाने आ रहे थे खा के चले गए। और साथ में जिनको प्रसाद पहुंचाना था, जिनके जिनके घर, उनके घर हम प्रसाद भी पहुंचा करके आ गए हैं। थोड़ा बहुत हमने भाई बहनों के साथ मस्ती भी कर लिया, और अब करते हैं ब्लॉग को एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ हमारे इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।